दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टीवीएस के राइडर 2023 मॉडल, देख सकते हैं आप, ये ऑल ब्लैक कलर है, ये ब्लूटूथ वाली मॉडल है, देख सकते हैं ब्लूटूथ वाला है, स्मार्ट कनेक्ट एबीएस वाली है, फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक फुली यहां पर आप देख सकते हो, टीएफटी वाली एलसीडी आ गई है, और क्या क्या फीचर आए हैं सब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। बस उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो देखिए सबसे पहले फ्रंट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डीआरए लाइट और फुल एलईडी हेडलाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, इस तरह से देख सकते हो आप, पूरी फुल एलईडी हेडलाइट आपको मिलेगी डीआरए के साथ, और फ्रंट का जो लुक है वो इस तरह से आएगा। आप सबसे पहले इसका इंजन साउंड आपको सुना देते हैं, इंजन साउंड जो है सबसे बेहतरीन है दोस्तों, और यहाँ पर जो फ्रंट का लुक है वो इस तरह से आएगा। इंडिकेटर आपको अपाचे वाले दिया गया है, इस तरह से इंडिकेटर आपको मिलेंगे, चारों इंडिकेटर सेम रहेंगे, और फ्रंट का जो लुक है वो इस तरह से आएगा, काफी गजब का जो है एक रोबोटिक लुक दिया गया है, देख सकते हैं ब्लैक कलर में है, बाकी 5 कलर में ये आपको मिल जाएगा। फ्रंट का जो मिडगार्ड है यहाँ पर आपको डुअल टोन में मिलेगा, देख सकते हैं आप, इस तरह से रहेगा। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगी, नई अलॉय व्हील आपको मिलेगी, ट्यूबलेस टायर 8017 का आपको मिल जाएगा, अलॉय व्हील सबसे गजब की है, चाहे तो यहाँ पर आप अगर टाइपिंग लगवाएंगे तो और भी गजब की दिखेगी। और फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक है वो इस तरह से दिया गया है, ऑयल डंपर टेलीस्कोपिक साकर है, डिस्क ब्रेक आपके सामने बहुत ही गजब एबीएस के साथ मिलता है, और यहाँ पर आपको इस तरह से लुक मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेक और क्लच लीवर आपको एल्युमिनियम वाले, पासिंग बटन हाई लो बीम और बार एंड के साथ इस तरह से मिलेगा, हैंडल बार देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है मेनू, देख सकते हैं यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जितना प्रेस करेंगे ट्रिप ए बी रेंज एवरेज सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएगा। आप देखिए जब आप इसको ऑन करेंगे तो इस तरह से टीएफटी वाली एलसीडी दी गई है इसमें मीटर, तो साइड स्टैंड का सेंसर, एबीएस, लो फील वार्निंग और इंडिकेटर, इतना यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर भी इंडिकेटर, वार्निंग लाइट, पासिंग और रिफाई लाइट, आर का देखिए लोगो किस तरह से वर्क कर रहा है, यहाँ पर टाइम बताएगा, स्पीड, आरपीएम, और यहाँ पर आपका फ्यूल पेट्रोल, और यहाँ पर ब्लूटूथ वाली है, देख सकते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्ट आप कर सकते हो, यहाँ पर आपका न्यूट्रल यानी गियर बताएगा कि गियर लगा है कि नहीं, ठीक है ना। इतने सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आपके सारे कंट्रोल्स दिखाएगा, इस तरह से देख सकते हो टाइम यहाँ पर आपका बताने लगेगा, बहुत ही गजब की फीचर है, ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप आराम से बढ़िया इस जो है चला सकते हो, यहाँ पर आपका मैप भी दिखाएगा, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से टाइमिंग दिया गया है तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाई लो बीम का सारा फीचर यहाँ पर, हारन, और यहाँ पर आपका मेनू दिया गया है, आप जो भी चाहे वो सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। इग्निशन आप देख सकते हो, और ये रही इसकी चाबी, टीवीएस की ब्रांडिंग और यहाँ पर हॉर्स का लोगो, तो ये है चाबी, और चाबी सबसे बेहतरीन दी गई है इस तरह से, और इसका इग्निशन यहीं से हैंडल लॉक भी हो जाएगा, इस तरह से ऑन करने पे ये दिखेगा, हेलमेट का पहले, फिर हॉर्स, आर, और उसके बाद इस तरह से पूरा दिखेगा डैशबोर्ड। अब यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग भी मिल जाएगा, और पूरा हैंडल बार का जो फीचर है वो इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये रहा आपका फ्यूल टैंक, और फ्यूल टैंक पर देखेंगे तो स्मार्ट एस कनेक्ट यानी कि ब्लूटूथ वाली है ये, तो इस तरह से इसके ऊपर लोगो मिलेगा, हॉर्स का लोगो मिलेगा, 10 लीटर पेट्रोल आएगा, ETFI इंजन है, और ये TVS इंटेलीगो वाली सिस्टम है, यानी कि बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट होगी, डुअल टोन पे आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन की, तो इंजन की अगर हम बात करें तो 5 गियर का इंजन है, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है, ये रहा आपका इंजन गार्ड, देख सकते हो आप, 125 सीसी इंजन है, माइलेज की बात की तो 50 से 55 का माइलेज निकालेगी, सिर्फ इसमें आपको सेल्फ स्टार्टर मिलेगा, किक स्टार्टर नहीं दिया गया है, सिंगल हॉर्न सिंगल चेसी पर है ये, और इंजन जो है सबसे बेहतरीन यहाँ पर आपको दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं किक स्टार्टर आपको नहीं मिलेगा इस तरह से, खाली सिर्फ इसमें जो है सेल्फ स्टार्टर ही रहेगा। इंजन गार्ड देख सकते हैं, ब्रेक लेबर आपका ये रहा, देख सकते हो ब्रेक लेबर, और ब्रेकिंग सिस्टम जो है काफ़ी बढ़िया दिया गया है, और पीछे जो है वो 130 mm का ड्रम ब्रेक है, पीछे वाला टायर आगे वाले टायर से काफ़ी बढ़िया लंबा चौड़ा है, 190/17 का दिया गया है, ये चीज़ काफ़ी बेहतर है, और साइलेंसर आप देख सकते हो, इसका एग्जॉस्ट पीछे की जो तेल लाइट है वो इस तरह से मिलेगी, देख सकते हैं बढ़िया LED वाली तेल लाइट, काफ़ी बेहतरीन इम्प्रेसिव लुक है, यहाँ पर नंबर प्लेट की लाइट जल रही है, नंबर प्लेट यहाँ लग जाएगा, और पूरा लुक आप देख सकते हो, 2023 मॉडल है, 11/2/2023 एकदम लेटेस्ट मॉडल, इंडिकेटर चारों आपको सेम मिलेंगे बल्ब वाले, और रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर दिया गया है, पूरा फेंडर आपको इस तरह से मिलेगा,
और पीछे का जो है ये चीज़ काफ़ी मजबूती के साथ दिया गया है। यहाँ पर आपको ग्रेवरी मिल जाएगा जो कि ग्रे कलर में है। स्प्लिट सीट आपको अलग अलग मिलेगी और राइडर की जो है सीट ये सबसे बेहतरीन पोजीशन पर है। और आपकी हाइट अगर 5 फीट प्लस है तो बहुत ही बढ़िया, पैर आराम से आ जाएगा। लेडीज़ को बिठाने के लिए सारी गार्ड भी यहाँ पर दिया गया है। सिंगल आपको फाइबर का चैन कवर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल फुटेज दोनों साइड सेम मिलेंगे। चैन आप देख सकते हो इस तरह से चैन स्पॉकेट है। और ये रही आपकी चेसी, देख सकते हैं आप कैंची। और टायर आप देख सकते हो पीछे का 180/90/17 का काफ़ी बढ़िया ट्यूबलेस टायर है। पंचर भी हो जाए सिंगल तो आराम चल सकते हो। मोनो साकर दिया गया है, पीछे वाला मोनो सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबल है। और साइड पर आपको राइडर की ब्रांडिंग यहाँ पर देख सकते, टेक्सचर डिजाइन आपको मिल जाएगी। और इंजन जो है वो TVS के राइडर का सबसे बेहतरीन यहाँ पर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट बाइक आप देख सकते हो सबसे बेहतरीन है। इसकी ऑन रोड प्राइस 1,19,000 है। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।